श्री बाबा रामदेव जी जन्मोत्सव के साथ ही 4 से 15 सितंबर तक स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाए जाने को लेकर मंदिर समिति ने पत्रकार वार्ता ली। श्री बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव एवं मंदिर का स्वर्ण जयंती महोत्सव को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष अशोक राठी और पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग के गंजपारा में स्थित भगवान श्री विष्णु के कलयुग अवतार श्री बाबा रामदेव जी की मंदिर, जो कि पूरे शहर की सबसे प्रतिष्ठित एकमात्र मंदिर है, साथ ही रामदेव मंदिर का इस वर्ष 50 वर्ष पूरा होना जा रहा है। इस मौके पर समिति द्वारा सकल समाज को साथ लेकर स्वर्ण जयंती महोत्सव 4 से 15 सितंबर तक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें बाबा रामदेव जी की 9 दिवसीय संगीत में अमृत कथा, भजन संध्या, कलश यात्रा, शोभा यात्रा, ध्वज यात्रा एवं भंडारा जैसे विशेष आयोजन कराए जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये धार्मिक आयोजन बड़ा आयोजन है, ज्यादा से ज्यादा सारे लोग इसका धर्म लाभ ले। पूरी चीजें उसमें लिखी हुई है, चाहे उनकी शादी से लेके उनके बच्चे, उनके भांजे से लेके उनकी जो जनता होगी वहाँ पोखरण में तथा राजस्थान में जो उन्होंने कार्य किया है, या पूरे इस दौरान उन्होंने बताया कि गंजपारा में स्थित श्री बाबा रामदेव मंदिर समिति, जो कि विगत 50 वर्षों से शहर में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें प्रतिवर्ष भादो माह के दूज से लेकर दशम तक विशेष आयोजन आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी इस आयोजन को विशाल रूप देते हुए मंदिर का 50वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान महोत्सव के पहले दिन कलश यात्रा राम मंदिर गांधी चौक से प्रारंभ होकर विभिन्न स्थान का भ्रमण करते हुए श्री बाबा रामदेव मंदिर पहुंचेगी। इस संबंध में मंदिर समिति के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। बाबा रामदेव जी का जो प्राचीन मंदिर गंजपारा में स्थित है, आज उसे 50 साल पूर्ण होने को है। इस अवसर पर हमने एक स्वर्ण महोत्सव मनाने का आयोजन किया है। तो हर बार बाबा का जम्मा होता है 2 से 3 घंटे का, लेकिन इस बार ये विशेष प्रयोजन होने के कारण हम बाबा रामदेव जी की 9 दिवसीय कथा करने जा रहे हैं, और इसमें वो कथा के साथ साथ में सिंक्रोनाइज करते हुए झांकियों का भी कार्यक्रम रखा है कि झांकियों के माध्यम से, यानी ऑडियो विजुअल के माध्यम से, हम वो बाबा रामदेव जी का जो चरित्र है उसका बखान करने जा रहे हैं। माहेश्वरी पंचायत दुर्ग के में यह स्थित है, तो हम लोगों का ये प्रयास है कि बाकी भी जो सकल समाज के जो लोग हैं, अग्रवाल समाज, बाकी जैन समाज, बाकी दूसरे भी समाज के जो लोग हैं, उनको भी, जो बाबा के भक्त हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि वो भी इस मंदिर से जुड़ें और इस मंदिर की प्रचार प्रसार हो, और इस मंदिर के लिए हम लोगों का ये जो प्रयास है। आप क्योंकि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस मंदिर का प्रचार करने में आप हमें सहयोग करें, और हमारे रोज की जो कथा है उसको, मैं डॉक्टर शंकर दम्मानी माहेश्वरी पंचायत दुर्ग का सचिव बोल रहा हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा रामदेव जी को प्रणाम करते हैं। यह आयोजन 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक बाबा रामदेव मंदिर गंजपारा में यह कार्यक्रम आयोजित है, और इस वर्ष जो है मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो हम लोग सभी समाज के सकल समाज जन मिलकर स्वर्ण जयंती के रूप में यह कार्यक्रम मना रहे हैं, और बहुत ही सुंदर आयोजन गंजपारा बाबा रामदेव मंदिर में हो रही है। इसके तहत पूरी गंजपारा में, गंजपारा चौक से लेकर सत्ती चौरा मंदिर तक लाइटों की व्यवस्था की गई, पूरा हर घर में लाइट लगाया गया है, और 4 सितंबर से 12 सितंबर तक वृंदावन से पधारे श्री श्यामदेव जी शास्त्री जी का बाबा रामदेव जी के जन्म से लेकर विवाह तक के प्रसंग, पूरी संपूर्ण कथा का पूरा विस्तृत जानकारी कथाकार श्री श्यामदेव जी शास्त्री जी देंगे, और 13 तारीख को दूज 10वीं के दिन झालावाड़ राजस्थान से पधारे हमारे देवेंद्र पनवर जी, जो बहुत बड़े प्रसिद्ध भजन गायक हैं, उनका भजन का कार्यक्रम है, और प्रतिदिन सवेरे अभिषेक पूरा 12 दिन वहाँ रामदेव मंदिर में होगी, और 4 तारीख को कथा की कलश यात्रा राम मंदिर से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबा रामदेव मंदिर में आएगी, और 14 तारीख को भव्य शोभा यात्रा लास्ट दिन 14 तारीख को जो है उस दिन पूरा शहर में, पूरे शहर के मार्गों से होते हुए रामदेव बाबा मंदिर में आएगी, और आखिरी दिन महाप्रसादी का आयोजन वहां पर किया गया है अपने बाबा रामदेव मंदिर के प्रांगण में। 8 तारीख से 15 तारीख तक यह आयोजन है बाबा रामदेव मंदिर गंजपारा दुर्ग में। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।